उत्तर दिल्ली नगर निगम के रोहिणी जोन में आने वाले किराड़ीवा वार्ड 43 में एक अवैध रूप से बन रही 5 मंजिला इमारत की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे के बाद विपक्ष के निगम पार्षदों ने रोहिणी जोन पर प्रदर्शन किया और वार्ड कमेटी की मीटिंग का बहिष्कार किया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या निगम ने सावन पार्क की घटना से कोई सबक नहीं लिया। रोती बिलखती ये महिलाएं और 1.5 साल का मासूम बच्चा किराड़ी में गिरी बिल्डिंग के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई और ये परिवार अब रो रहा है, बिलख रहा है। लेकिन इनकी चीत्कार रोहिणी जोन निगम में बैठे बेशर्म अधिकारी और चेयरमैन के कानों तक भी नहीं पहुंच रही। इसी वजह से विपक्ष के सभी पार्षदों ने आज वार्ड कमेटी की मीटिंग का बहिष्कार किया और मीटिंग हॉल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। निगम और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारे भी लगे और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। पहले सावन पार घटना में 5 लोगों की मौत और अब किराड़ी में एक मौत। सवाल ये है कि पूरे रोहिणी जोन क्षेत्र में ही बड़े स्तर पर अवैध निर्माण चल रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। वार्ड कमेटी की मीटिंग में मीडिया तक की एंट्री पर बैन है। क्या मीडिया एंट्री बंद कर भाजपा शासित निगम अपना नकारापन और भ्रष्ट इरादों को छिपाना चाहती है? मैंने चेयरमैन के सामने और डीसी छिल्लर के सामने एक बात कही थी कि मेरे क्षेत्र में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, जिसकी मैंने उनको शिकायत की और स्पेशल मैंने उनसे ये कहा कि मेरे वार्ड में छोटे छोटे मकानों से लेकर बड़े बड़े बिल्डिंगों तक उगाई हुई है, लेकिन जब मैं शिकायत करता हूँ तो शिकायत के दौरान क्या करते हैं, 25 गज 30 गज 20 गज के मकानों जाकर तोड़ते हैं, लोगों को डराते हैं। लेकिन आज मेरे वार्ड में एक ऐसी घटना हुई है कि एक व्यक्ति की जान चली गई जिसका 1.5 साल की छोटी सी बच्ची है। एक 5 मंजिला इमारत बन रहा था जिसके दोनों साइड कोई सपोर्ट नहीं है। ये बिल्डिंग कौन बनवा रहा था, कैसे बनवा रहा था, इसकी पूरी जानकारी एमसीडी के छिल्लर से लेकर नीचे जो जेईए मीना तक को था। और मेरी शिकायत के बावजूद भी ये इस तरह के काम करवाते हैं, इनकी मुट्ठी गर्म की जाती है और जब हम कोई भी पार्षद इस चीज का शिकायत करते हैं हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। विपक्ष के तमाम निगम पार्षदों ने किराड़ी में हुई मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे रोहिणी जोन के डीसी और रोहिणी जोन चेयरमैन मनीष चौधरी को ठहराया है और साफ साफ आरोप लगाया है कि क्षेत्र में चल रहे तमाम अवैध निर्माण बीजेपी के पार्षद, खुद चेयरमैन और डीसी की सांठगांठ और इनके संरक्षण में ही चल रहे हैं। अगर ये आरोप सच हैं तो बात चाहे सावन पार्क की हो या फिर किराड़ी में हुई मौत की, भाजपा शासित निगम की सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।